नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश एक्का, रंका अंचला पदाधिकारी निशांत अंबर, रंका नोडल पदाधिकारी दिव्या बा एम बी सूत्री, अध्यक्ष कमलेश नंदन सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि सुनील माली एवं सभी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी की उपस्थिति में जनता दरबार रंका मुख्यालय में लगाई गई। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश एक्का ने बताया कि आज जनता दरबार में बहुत ही समस्याएं आई हैं। कुछ समस्याओं का निदान कर दिया गया है, बाकी समस्याओं को अगले जनता दरबार में निष्पादन किया जाएगा। प्रखंड मुख्यालय परिसर में आज जो जनता दरबार लगाया गया, उसमें कितने लोगों को निदान? आज जो जनता दरबार लगाया था प्रखंड मुख्यालय सभी विभाग के लोगों के लिए, उसमें जनता ग्रामीण अपना अपना समस्या को लेकर आई, जो विभाग से संबंधित था उनसे हम लोग तुरंत उसको डिस्पोजल करने को उसकी, और जो लंबा जो प्रक्रिया टेकिंग जो था उसको हम लोग दो चार दिन का या सप्ताह का समय दिए और उसमें और अगली चूँकि ये जो जिला से हम लोग को तय करते हैं, प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार के दिन हम लोग को जनता दरबार लगाना कार्य करते हैं, और इसके तहत हम सबको सूचना दे रहे हैं कि आप सबका प्रचार कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ लोगों की आज और अपनी समस्या पर जितना संभव हो सके तुरंत निदान करने का प्रयास करें। इस संबंध में अंचल पदाधिकारी निशांत अंबर ने बतलाये कि आज जनता दरबार में जमीन संबंधित समस्या थी, जिसका निष्पादन जनता के बीच में किया गया है एवं लोगों से आवेदन भी लिया गया है कि जिसका निष्पादन अगले जनता दरबार में की जाएगी। परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता के द्वारा अपनी समस्याओं को पदाधिकारियों को रखा गया, सभी विभाग को बुलाया गया था, विभाग से संबंधित शिकायत हो उसका जितने त्वरित निष्पादन हो सके कर दिया जाए। बहुत सारे पेंशन वगैरह थे जो फॉर्म आए महसूस कर दिया जाए, जमीन वगैरह के या जो लॉन्ग टर्म में एक्शन प्लान की जरूरत है, ऐसे एक आवेदन भी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है, ताकि उसका अगले जनता दरबार का अगले सप्ताह होगा उसका निष्पादन कर दिया। इसी संबंध में नोडल पदाधिकारी दिव्या बा ने बताया कि आज की जनता दरबार में सभी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे, जो सभी ग्रामीणों का जनता दरबार में समस्या सुनी गई। यहाँ जो जनता दरबार ब्लॉक में लगी थी, उसमें बहुतों का जो जल्दी समस्या का समाधान हो जाना था, जैसे चापाकल खराबी की थी उसका जल्दी ही निदान कर दिया गया, और जो लंबे समय वाला है उसका ये जिला में हाइड्रोक्लियर बीच का पाउडर कराया जा रहा है, जैसे स्टेट निर्माण का है, और बाकी जो भी समस्या है जो बड़ी है उसको हम लोग जिला में भेजकर उसका जल्द से जल्द समाधान कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सक रहा है हम लोग उसका समाधान अगर इस ब्लॉक लेवल पर पहुँचा रही है तो वो हम लोग कर रहे हैं। इस जनता दरबार में उपस्थित जिला परिषद उमा देवी, बाल परियोजना पदाधिकारी रंका से बिंदु, उत्तम पांडे आदि सैकड़ों ग्रामीण जनता उपस्थित थे। धन्यवाद।